हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल पे टेक्निकल बसु। तो गाइज, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली, क्योंकि दोस्तों जी व्हाट्सएप का जो लेटेस्ट अपडेट है वो बहुत दिनों से नहीं आया है। तो गाइज, मैं आपके लिए जो अभी अभी लेटेस्ट जी व्हाट्सएप का लेटेस्ट अपडेट आया है दोस्तों 14 प्रो, वो मैं आपको कैसे अपडेट करते हैं इस वीडियो में पूरी उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। देख सकते हैं मेरे जी व्हाट्सएप पर मैंने उसको पहले ही अपडेट कर लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें जाके जीवी सेटिंग में जाना है। जीवी सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड पर जाने का है दोस्तों। अपलोड पर जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर आपको आप इधर देख सकते हैं कि इधर क्या क्या बता रहा है कि आप इसके इधर वी 14 प्रो ऐसा होता बता रहा है। हमारे पास मैंने जी व्हाट्सएप प्रो का मैंने अपडेट किया है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जी व्हाट्सएप को लेटेस्ट वर्जन कैसे अपडेट करते हैं मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस, वो मुझे इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार दोगे जितना आपने, तो मुझे दोस्तों आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दोगे जितना आपने पिछले 2 वीडियो को दिया था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं कि मैंने अपने जी व्हाट्सएप को दोस्तों किस तरह से मॉडिफाई किया है। अगर आप भी अपने जी व्हाट्सएप को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहते हो तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, इसमें अगर आपके पास जी व्हाट्सएप है और उसको अपडेट करना है तो मैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपके पास जी व्हाट्सएप ही नहीं है तो मैंने पिछला एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया कि जी व्हाट्सएप को स्टेप बाय स्टेप कैसे डाउनलोड करते हैं, मैंने उस वीडियो में बताया है। तो गाइस, चलिए अभी जी व्हाट्सएप को अपडेट करते हैं। आपको जीवी सेटिंग में जाना है गाइस। जीवी सेटिंग में जाने के बाद अपडेट्स में जाना है। अपडेट्स में जाने के बाद आप इधर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे जीबी व्हाट्सएप प्रो 14th वर्जन है दोस्तों। अभी आपको चेक फॉरवर्ड करना है। चेक अपडेट करने के बाद वैसे यहाँ पे अगर आपका अपडेट किया नहीं होगा तो आपको यहाँ पे अपडेट करने के लिए बोलेगा। अगर आपको अपडेट करना है तो अपडेट फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो है आपको यहाँ से सीधा क्रोम पर चले जाना है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रोम पर जाने के बाद आपके सामने जो है न्यू स्लाइड यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप अभी इधर देख सकते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं व्हाट्सएप से जुड़ी ऐसे ही न्यू वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए, आपके सामने यहाँ से जो है न्यू ऐसा विंडो ओपन हो गया है। विंडो ओपन होने के बाद गाइस, आप इधर जैसे देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे क्या बोल रहा है। इधर देख सकते हैं कि डाउनलोड भी superhero. अपडेट करने के बाद दोस्तों, मैं आपको यहाँ से सीधा जो है अपने आपको व्हाट्सएप पे चले जाना है आपका। दोस्तों, मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपने इसे न्यू अपडेट करने के बाद आपका जो पुराना डाटा है वो कहीं पर भी चला नहीं जाता है। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि अपडेट करने के बाद उनका जो पूरा जो है व्हाट्सएप का डेटा है वो पूरा डेटा डिलीट हो गया है। तो गाइस, आपको अपडेट करने के बाद यहाँ जो है अगर आपको अपने जो जी व्हाट्सएप को मॉडिफाई करना है, मैं आप देख सकते हैं मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने किस तरह से उसको यहाँ पे अच्छी तरह कैसे जो है मॉडिफाई किया है। आप भी ऐसा करना चाहते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जी व्हाट्सएप से जुड़ी कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
Oh,